मैंने आपको बोला था कि 93 क्या प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हमारे पास कितने प्रेजेंट होते हैं, मैंने बोला टोटल 80 हमारे पास नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के बचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको किस कैटेगरी में आप लेके जाओगे, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में लेके जाओगे। ठीक है, मेटलॉइड्स कौन होता है, जिसमें कुछ कैरेक्टर आपका मेटल का प्रेजेंट होगा और कुछ कैरेक्टर आपका किसका नॉन मेटल का प्रेजेंट होगा। अब देखो नॉन मेटल प्रेजेंट है, इन अ पीरियोडिक टेबल की अगर बात करूं तो चैप्टर 14 में आपने जाना था कि टोटल कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, और जो पीरियड्स की बात करूं तो कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। अब इस 18 ग्रुप्स में से कहां कहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल प्रेजेंट होता है, उसके बारे में जानते हैं। नॉन मेटल हमारा 13 से लेकर जो 18 ग्रुप आपका आता है, आज जाके आप देखिएगा 13 से तो 18 से ग्रुप जितने भी हमारे ग्रुप्स आते हैं, इन सारे ग्रुप्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, फर्स्ट और सेकेंड और कभी कभी जो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट भी होता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब 13 ग्रुप में आने वाला जो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट होगा, 14 ग्रुप का फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट, देन 15th ग्रुप, फिर 16th, फिर 17th, और फिर क्या आ जाएगा आपका 18th ग्रुप, उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम इसका ग्रुप देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 13, देन मैंने लिखा 14, उसके बाद क्या आ जाएगा 15, फिर आपका आ जाएगा 16, फिर 17, और फिर आ जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 ग्रुप जो होता है इसमें जनरली प्रेजेंट होता है इलियम, लियोन, आर्जिन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडर। ठीक है, और इसके बाद इन 14th ग्रुप हमारा क्या आ जाएगा, बोरॉन और एल्युमिनियम आ जाएगा, कार्बन के साथ आपका आ जाता है कार्बन और सिलिकॉन, इसमें आपका आ जाएगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर, और इसमें आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके नीचे आप जाओगे तो इसके टाइम भी आएगा, आई थिंक 80 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। इन सारे एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट में आ जाएगा, तो इन सभी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो 13th ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे इनका नाम रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द बोरॉन फैमिली। जो 13th ग्रुप होता है उसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है, 14th ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, 16th ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली, और 18th ग्रुप को इनर्ट गैसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, या फिर इसको बोला जाता है नोबल गैसेस। मतलब क्या होता है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का मतलब दे कांट रिएक्ट, दे कांट रिएक्ट एनी अदर मॉलिक्यूल, किसी भी अदर रिएक्टेंट के साथ या मॉलिक्यूल के साथ या एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनर्ट बोला जाता है। थैंक यू गाइस, मैं देख रहा हूँ बेड से उधर अगर बैठा है आपसे पूछा जाएगा तो ये 13, 14, 16, 17, 18 ये कौन से साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या आता है, फर्स्ट और सेकेंड आता है। नीचे आप देखोगे तो 3 2 आपके पास 12 ग्रुप ऐसे आएंगे जो आपके लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट होता है और यहाँ पे आपका सेकेंड ग्रुप होता है, अगर आपने देखा होगा सही से पीरियोडिक टेबल को। तो ये मेरा लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये मेरा कौन सा साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। तो इन अ पीरियोडिक टेबल हमारा जो नॉन मेटल्स होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आपके राइट साइड पे, इस बात को याद रखिएगा। अब ये बात आती है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि नॉन मेटल्स इन अ पीरियोडिक टेबल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स किनको बोला जाता है पूछा जाएगा, तो नॉन मेटल्स वो होती है जो मेटल के अपोजिट कैरेक्टर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल के अपोजिट कैरेक्टर का मतलब जितने भी हमारे सॉलिड बोलते हैं, क्या हुआ राइट शॉप वहीं पे, इसको ऐसे करूं
ठीक है। तो देखिए जो हमारा मेटल होता है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब है कि जो नॉन मेटल होगा या तो वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या तो कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये अपोजिट कैरेक्टर हो जाता है। सेकेंड कैरेक्टर ये होता है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सेकेंड कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हो या नहीं, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। थर्ड अपोजिट कैरेक्टर मेटल में क्या होती है? साइनिंग होती है। साइनिंग कैरेक्टर को क्या बोला जाता है? लस्टेड बोला जाता है। मेटल कैसा होता है? स्मॉलेस्ट होता है। मेटल को जब पीटोगे हैमर से तो क्या आएगा? साउंड आएगा ना, दैट इज द सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल गैसेस और लिक्विड है, उसको हैमर से मारोगे तो आवाज आएगी? नहीं आएगी ना। तो आप इसको क्या लिखोगे? इट इज नॉट सोनोरस। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर, जब मेटल को मेल्ट किया जाता है तो मेल्ट करके उसका शील्ड बनाया जा सकता है। तो ये तो ऑलरेडी लिक्विड या गैसेस फॉर्म में होगा, तो इसको मेल्ट करके हम शील्ड कैसे बनाएंगे? क्योंकि गैस होगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, लिक्विड होगा तो वो क्या हो जाएगा? बह जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज डजंट शो डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। ये दो कैरेक्टर भी क्या नहीं करते हैं? रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मतलब मैंने कुछ कैरेक्टर बता दिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो मैक्सिमम कितने का पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का, उससे ज्यादा थोड़ा पूछा जाएगा। तो कोई भी अपोजिट कैरेक्टर, अगर आपको मेटल का कैरेक्टर याद है तो उसका जस्ट अपोजिट कैरेक्टर आपका किसका हो जाएगा? नॉन मेटल का हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इट इज अ कैरेक्टर ऑफ अ नॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि मेटल के जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। अब मैंने आपको थ्योरेटिकली तो बता दिया कि कैसे आप मेटल को क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मतलब मेटल है, और नॉन मेटल जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। देन बैड कंडक्टर, देन डक्टिलिटी शो नहीं करता, सोनोरस नहीं होता, इसमें साइनिंग नहीं होती है। अब हम प्रैक्टिकली कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मेटल है या नॉन मेटल है? ठीक है, तो प्रैक्टिकली पता करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। मैंने सारे ग्रुप के बारे में बता दिया, इसमें एक और एलिमेंट आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट ये प्रेजेंट होता है फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, क्यों हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है? जबकि अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे, जैसे मैं बात करूंगी इसके बाद आएगा ये आएगा। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं दैट इज कॉल्ड अ अल्कलाइन मेटल। इनको बोला जाता है अल्कलाइन मेटल, बट दीस हाइड्रोजन आर नॉन मेटल इन नेचर। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? वन मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। ये प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप में बट इसका कैरेक्टर देखोगे ना तो ये मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करता। ये कैसा कैरेक्टर शो करता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। इसका रीजन क्या होता है बताओ? तो रीजन होगा बिकॉज ये सारे के सारे जो एग्जिस्ट है फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन से स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में। जो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सारे के सारे कौन से स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। लेकिन मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन क्या है? एक तरीके का गैस है ना, हाइड्रोजन गैस होता है। और अगर कोई चीज गैस होती है तो वो कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करती है? नॉन मेटेलिक नेचर को। तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट अ एनटीपी। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे हम यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज हमें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। 37 डिग्री या 45 डिग्री आपका टेम्परेचर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा। ठीक है, तो दैट इज 1 atm हम उसको बोल सकते हैं, सॉरी एनटीपी बोल सकते हैं। और उसके अगर आपके फिजिकल स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट
इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इस वजह से उसको रखा कहां पे गया है, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर पूछा जाएगा तो दिस इज नॉट अ अल्कलाइन मेटल, बल्कि वो कैसे नेचर को रिप्रेजेंट करता है, नॉन मेटलिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट अ एनटीपी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये बात तो मुझे पता चल गई कि कैसे कैसे इसका एक्सिस्टेंस होता है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि आखिर प्रैक्टिकली कैसे पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ठीक है। कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास, हो गया ना टोटल नॉन मेटल 18। काम करो, ये दोनों मतलब एक्सेप्शन नहीं बोलूंगी, जिसको बोला जाता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये नॉन मेटल के लिए आता है, इस वजह से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ये, और ये मेटलिक नेचर रिप्रेजेंट करता है, एसके टाइप, और बाकी सब आपके नॉन मेटल है। टोटल काम करो 18 है, यानी इधर के आपके कितने हो गए, 5 हो गए, ये कितना है, 4, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6, 16, एक आपका 17, और ये वाला एक क्या हो जाएगा, 18। टोटल कितना मैंने बताया था, समझ गए, टोटल 18 नॉन मेटल कौन कौन से हैं। चलो अब आते हैं कि थ्योरेटिकली आप चाहो तो इसको एक जगह पे लिख के रख सकते हो, पर ऐसे लिख के रखोगे तो ज्यादा पता चलेगा, जिससे ग्रुप भी पता चलता है और कौन सा एलिमेंट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो भी पता चल जाता है, लाइन से रटने से भी करते हैं। इसके आगे देखते हैं कि आगे प्रैक्टिकली कैसे पता करते हैं कि कोई नॉन मेटल है या मेटल। तो देखिए अब देखो प्रैक्टिकली कैसे पता करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि मैंने हाइड्रोजन का बात किया था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, 1 के बेसिस पे देखो अगर इसका मुझे क्या करना पड़े, बैलेंस से निकालना पड़े, तो याद रखना हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 पॉजिटिव भी बना सकता है और 1 नेगेटिव भी बना सकता है। 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव क्यों, ये जानिए, बिकॉज ये कौन सा सेल होता है, हमारा फर्स्ट सेल होता है, ठीक है, और फर्स्ट सेल में अकॉर्डिंग टू बोहर वाली स्कीम जो हमारे बोहर वाली साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर एन हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल्स को बताता है, ठीक है। इस फॉर्मूला के बेसिस में फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 1 पॉजिटिव क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब 1 नेगेटिव क्यों हुआ, देखो किसी भी एलिमेंट के पे अगर ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिएगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, आपको ये बात पता होगी, स्टेबल हो जाएगा, तो आसानी से वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग की प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल बोल सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी नॉन मेटल पढ़े उसमें से मैं नाइट्रोजन से आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर आप बात करोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। अगर मैं इसका कॉन्फिगरेशन लिखूं तो इसका कॉन्फिगरेशन होगा 2-5, ऑक्सीजन का होगा आपके पास 2-6 और फ्लोरीन का आपके पास होगा 2-7। अकॉर्डिंग टू अ ऑक्टेट रूल अगर इसको अपना
स्टेबिलिटी रखते हैं. ठीक है, तो द एलिमेंट, द एलिमेंट इट शोज electrons properties are called non-metal. मतलब ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करने की एबिलिटी रखता है, गेन करने की एबिलिटी रखता है. गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक्सेप्ट करना. और ये तीनों एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, बिकॉज किस वजह से, ऑक्टेट रूल की वजह से. क्योंकि ये अपने पांच इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करना चाहेगा, इसको ये क्या अपने पांच इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा. मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि 1, 2, 4 अगर रहता है तो वो कौन सी वैलेंसी को शो करते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी को शो करते हैं. क्योंकि 1, 2, 4 कंडीशन तक वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं. ठीक है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है. वो और ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है. अब देखो आपको क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और साथ में आपको दे दिया गया सीएल, इसके अलावा फॉस्फोरस, और इसके अलावा दे दिया गया आपको सिलिकॉन. अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आपका मेटल है और कौन सा आपका नॉन मेटल है. तो देखो ये सोडियम, इसका कॉन्फिगरेशन करोगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है. कॉन्फिगरेशन करो क्या आएगा, 2-8-1. ठीक है, मतलब अपने ऑक्टेट के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करनेगा, यूज करनेगा. मतलब ये कौन से नेचर का हुआ, मेटल है. समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ. अब ये पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19. कॉन्फिगरेशन करो 2-8-8-1, कितना आया, 1 आया. कौन से नेचर को शो करेगा, मेटल. मैग्नीशियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12. 2-8 कितना आएगा, 2. 2 आया, 1-4 पॉजिटिव. कौन सा कैरेक्टर, मेटल. कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना, 20. कॉन्फिगरेशन करो 2-8-8-2, कितना होगा आपका, 20 हो गया. लास्ट में कितना आया, 2 आया. कौन सा कैरेक्टर, क्लोरीन. 2-8-7 एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17. लास्ट में कितना आया, 7. कौन सा कैरेक्टर, नॉन मेटल. समझ गए, ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा होगा, 7 एटॉमिक नंबर. कॉन्फिगरेशन करो 2-8-5, हुआ क्या था, 5. लास्ट में कितना आया, कौन सा कैरेक्टर, नॉन मेटल. समझ गए, ये होता है प्रैक्टिकली समझने का तरीका. अगर आपको कहीं पर आउटर मोस्ट पे पार्ट में 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो कौन से कैरेक्टर का होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होगा. ये हम देख के पता कर सकते हैं एलिमेंट है तो, अगर उनको कॉन्फिगरेशन करना आता हो तो. और अगर 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो जनरली देखा जाता है कि ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. और 4 इज अ टाई कंडीशन, बताया था उसने भी. ये डिपेंड करता है कि उसके साथ रिएक्ट करने वाला अदर एलिमेंट कौन सा है, जैसे कार्बन. फॉर एग्जांपल कार्बन, एक एग्जांपल आपको देती हूँ, दैट इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब देखो ये जो क्लोरीन है, इसका कॉन्फिगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 8-7. मतलब क्लोरीन कौन से नेचर का हो गया, नॉन मेटेलिक नेचर का. तो नॉन मेटेलिक मतलब इसके कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. तो अगर ये नेगेटिव चार्ज का है, मतलब ये कौन से चार्ज का हो जाएगा, पॉजिटिव. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया, मतलब ये क्या हो गया, दैट इज अ टाई कंडीशन. क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना. कॉन्फिगरेशन करो कितना आएगा, 4. तो 4 ऑलवेज क्या होता है, टाई कंडीशन होता है. इस बात को याद रखिएगा. क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को वो दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को वो ले भी सकता है, क्योंकि ऑक्टेट उसको कंप्लीट करना है जैसे भी.
तो इस बात पर डिपेंडेंसी उसके साथ रिएक्ट करने वाला एलिमेंट कौन सा है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे ये बनता सी आपका Na, ठीक है। अब देखो CnA4 यहाँ पे अगर बनता तो ये Na ये कौन से नेचर का है, मेटल, क्योंकि ये क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज को बनाता है। तो अगर ये मेटल हो गया तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये क्या हो जाएगा, समझिए हो कैसे समझोगे, इसके बादल वाले को देखना कि आखिर इसका बादल वाला कौन से कैरेक्टर का है। ठीक है, अगर वो नॉन मेटल है तो उसके साइड वाला तब आप मेटलिक नेचर मतलब पॉजिटिव फॉर्म में लोगे, और अगर वो आपका पॉजिटिव फॉर्म का है तो इसके बगल वाले को किस पे लोगे, नेगेटिव फॉर्म पे लोगे। समझ रहे हो, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, पता करते हैं जब हमको टाई कंडीशन मिलता है तो कार्बन फैमिली को ऑलवेज सिमेट्री पे रखेगा। ज्यादातर बच्चे इसको पूछ जाते हैं कि इसको किस कैटेगरी में लू, पॉजिटिव लू या फिर नेगेटिव लू। ठीक है, तो आपका ये टोटल जो वैल्यू है कैसे होता है आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी। इसके बाद हम आते हैं कि आपका प्रैक्टिकली था कि कैसे आप पता करोगे कि कौन सा मेटल है आपका और कौन सा नॉन मेटल है आपका। ठीक है, थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो बताया गया है वो आपका बताया गया है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपको पता चल गया, अब उन दोनों का जो रिएक्शन है वो कैसे कराते हैं उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो इसमें दो रिएक्शन कराया जा रहा है। पहला रिएक्शन कराया गया है किसके किसके बीच, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के। यहाँ पे मैग्नीशियम है आपका और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। बताओ कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी बताइएगा, 12 होता है। कॉन्फिगरेशन करो क्या आएगा, इस की बेसिस पे ये कौन से नेचर का हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 है ना, 6 का होता है, 8 होता है। और क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 आया मतलब ये कौन से नेचर का हो जाएगा। ठीक, कैसे पता करोगे, समझ आ गया आपको, मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग 30 तक का एटॉमिक नंबर पढ़ो, जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना सारी चीजें कोरिलेट करनी है, आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे कौन सा मेटल है। अब देखो मुझे रिएक्शन किसके बीच में कराना है, मेटल और नॉन मेटल, मतलब मुझे एक मेटल गिव किया गया है और एक नॉन मेटल गिव किया गया है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक का बस वैलेंसी डिटेल पे बताऊंगी बाकी का नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम पे जब इसका कॉन्फिगरेशन करते हैं तो उसमें 2 आता है, इसका मतलब है कि इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। जब ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2 और 6 आता है, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके पास एक ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी है, -2 वैलेंसी है। ठीक है, जब एक ऑक्सीजन के पास -2 वैलेंसी है तो यहाँ पे तो मुझे 2 ऑक्सीजन दिया गया है ना, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी हो जाएगी, -4 वैलेंसी हो जाएगी। अब -4 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, 2+ है, और हम सभी जानते हैं कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट तब बनता है जब जितने नंबर ऑफ कैटायन प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ एनायन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर तो मेरे पास एनायन कितना है, 4 है, और कैटायन कितना है, 2 है, तो मुझे इसको भी कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा।
के पास कितने चार्जेस हो जाएंगे? यहाँ पे मैं कितना लिखूंगी, हियर एक्स एंड बैलेंस क्या बन जाएगा आपका, सामने लिख दो टू एन जी ओ, ठीक है। मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है, टू है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, टू है, मैंने क्या लिखा, तो मैग्नीशियम और दो आपका ऑक्सीजन, नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट कराया गया है, कॉपर प्लस क्या है आपका ओ2, इसका भी वही चार्ज है, दो कॉपर आप यूज करोगे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। दो क्वांटिटी में आपका कॉपर है, दो क्वांटिटी में आपका क्या है, समझ गए। थर्ड आपका रिएक्शन इसमें बताया गया है आयरन, Fe है प्लस सल्फर है, रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा FeS, इसमें आपका Fe आयरन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटल होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है अगर ये मेटल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन करके बता दूं, ये 16 है, 28 आएगा, 6 आएगा, 6 का मतलब ये क्या है, और वही रिएक्शन हम करा रहे हैं एक मेटल का और एक नॉन मेटल का, इसमें सभी रिएक्शन आपको ऐसे ही दिया हुआ है, और बैलेंस मैंने जैसे ये फर्स्ट पे किया वैसे ही बैलेंस है। इसके बाद और किसका है, मैग्नीशियम और नाइट्राइड का, इसमें भी मैग्नीशियम का है लेकिन नाइट्रोजन अलग हो गया, अभी तक आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली चल रहा था, अब देखो नाइट्रोजन का कैसे पता करोगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, कॉन्फिगरेशन करो कितना आएगा 2 आएगा, मतलब ये मेटल है पता चल गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फिगरेशन करो क्या आएगा 25, मतलब ये हमारा हो गया नॉन मेटल का रिजल्ट। अब देखो इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगी -3, मतलब एक नाइट्रोजन में कितने चार्जेस हैं, तो तीसरा कितना करोगे 6 करोगे, तो दो नाइट्रोजन में कितने चार्जेस हो जाएंगे -6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आओ मैग्नीशियम आपका 12 है, एक मैग्नीशियम में +2 दीजिए, मुझे चाहिए कितना -6 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कितना कर दूंगी 6, तो इसका कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, ये हमारा हो जाएगा Mg3 क्या करोगे प्रेफर करोगे, यदि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल्स आपको पूछा गया तो आप क्या करोगे, कोई भी दो रिएक्शन का ज्यादा दो नंबर का पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, दो रिएक्शन लिख दिया इनफ है, जो रिएक्शन आपको पसंद आ रही है आप उसमें से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। जैसे एमीन प्लस आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाता है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, अगर दूसरा याद नहीं है और उसके बगल वाला याद है तो उसका कॉन्फिगरेशन कर लो, अगर एक नॉन मेटल आ रहा है तो उसके साथ रिएक्ट करने वाला दूसरा क्या होगा, मेटल ही होगा, समझ गए। कहां पे, दैट इज अ सॉलिड फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है वो बताया गया, जी लिखा है मतलब गैसेस को बता रहा है, एस लिखा है मतलब सॉलिड को बता रहा है, एल लिखा है मतलब लिक्विड को बताएगा, और ए क्यू लिखा है मतलब एक्वस को बताएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया जा रहा है रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स, आगे और भी रिएक्शन है आप चाहे तो देख सकते हैं, बट नथिंग इम्पोर्टेंट, सेम सेम आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों लिख के देगा, लिख के देने के बाद ना उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना उसको देख लेना और दोनों साइड पे उसको बैलेंस कर लिए, कितने नंबर इधर है कितने नंबर उधर है बोलते हैं, तो हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस लगता है कुछ भी बोलो। रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स, रिएक्शन बिटवीन आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। मैम 2 मिनट एक टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक।